अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। हाजिर हैं एक नई अपडेट के साथ अबाउट आई स्मार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में जो आई स्मार्ट का केस अंडर प्रोसेस है, उसका अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं निकल कर आया। बहरहाल एक अपडेट है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, जो इंशाल्लाह आप लोगों को उससे थोड़ा हौसला भी मिलेगा। और दूसरा ये कि वीडियो के आगाज से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक करें। आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। आपको पता है मेरी कोशिश होती है छोटे से छोटी वीडियो डाउन टू दी पॉइंट बात करूं और पाकिस्तानी को मैं उकता देती है, सीटीआर गिराते हैं चैनल का। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि एससीसीपी ने के जो है प्रेस रिलीज की, वहाँ से नैब ने अखबारों में इश्तहारात दिए आई स्मार्ट के खिलाफ। बहरहाल जो एक प्रॉपर देखा जाए तो आई स्मार्ट के बंदों ने अदालत में, हाई कोर्ट में इनके खिलाफ जो है अदलिया में केस दिया एससीबी के खिलाफ कि इन लोगों ने इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म की है और ये जो है इनके पास कोई अथेंटिक सबूत नहीं है और जेन्युइन में नहीं है। अगर कोई एक बंदा हो जो आई स्मार्ट के खिलाफ वीडियो बनाए कि मेरी पेमेंट ये लोग लेके भागे हैं, दबा दी है, एक आध बंदा हो जो ये क्लेम करे, दावा करे कि आई स्मार्ट किसी गैर कानूनी कामों में मुलविस है, तो ये दो चार बड़े बड़े गवाह होने चाहिए। बहरहाल गवाह नहीं है उनके पास, वरना अभी तक उन्होंने आई स्मार्ट की मंजी ठोक देनी थी। गवाह ना होने की वजह से आई स्मार्ट तगड़ा है और आई स्मार्ट के पास सारे प्रूफ हैं, शवाहिद हैं। मेन पॉइंट अपडेट क्या है कि मेरी नज़र पड़ी जो प्रेस रिलीज की एससीसीपी ने, उसके नीचे मेंशन है कि अदलिया ने, हाई कोर्ट ने यह हुक्मनामा जारी किया है कि एससीसीपी कोई एक्शन नहीं लेगी आई स्मार्ट के अगेंस्ट। आई स्मार्ट के अगेंस्ट एसईसीपी कोई भी एक्शन नहीं लेगी, ये अपडेट है, ठीक है। और सेकंड ये आप लोगों को बता दूं कि आई स्मार्ट के हक में ही फैसला जाएगा या नहीं जाएगा, ये बात की बात है। बहरहाल अगर हाई कोर्ट इन प्राइवेट लिमिटेड इदारों को लेकर बैठ गया तो हाई कोर्ट अपने काम जो है सर अंजाम कैसे देगा। आगे ही मेरे मुल्क के अंदर किसी को इंसाफ मिलता नहीं है, अदालतें भरी पड़ी हैं, केस इतने ज़्यादा हैं, जो है बेगुनाह मारा जाता है और गुनहगार सरेआम घूम लेता है। तो कहने का मकसद ये कि अगर अदलियन कामों में पड़ेगी, अब वहाँ पे अदालत एससीपी को भी गलत नहीं कहेगी, कतन नहीं कहेगी। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों नहीं कहेगी, क्योंकि एससीपी खुद एक सरकारी ब्रांच है, इदारा है, बहुत बड़ा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उसको अदालत कहाँ गलत कहेगी, उसको कहेगी अदालत, और ये आपस में इनका फिर समझने फटा बनता है। बहरहाल या स्मार्ट वालों को भी गलत इन्होंने नहीं कहा, अदालत वालों ने मैंशन किया है कि कोई भी एक्शन नहीं लेगा एससीसीपी। और ये ही अपडेट है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आप अपनी प्रॉपर तसल्ली करें, ठीक है। आप मैंने डिटेल्ड प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप वो लोग देखें, इनके ऑफिस जाएं अब और इनके डिफरेंट आउटलेट्स देखें, इनके रेस्टोरेंट देखें, बंदों से मिलें। दिल मानता है करें, नहीं मानता है ना करें, वो कौन सा ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हम लोगों से आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, नंबर एक। और ये बात क्लियर होगी। और नंबर दो कि हाई कोर्ट के फैसले को छोड़ के हम लोग जो अपना काम है वही करते हैं। अगर आ गया हाई कोर्ट का फैसला तो इंशाल्लाह मैं वो भी ज़रूर बता दूंगा, और अगर ना आया, आएगा नहीं, तो यही फैसला है कि एससीबी को हुक्मनामा जारी है कि आप लोग आई स्मार्ट को जो है कुछ ना कहें। सो ये एक अपडेट थी। मैंने एक और कंपनी सर्च की है आई बी वर्ल्ड के नाम से, इंशाल्लाह उसको रिसर्च स्टडी कर रहा हूँ, प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा जैसे ही मेरी रिसर्च स्टडी कम्प्लीट होती है इंशाल्लाह आफ्टर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अच्छा अगली वीडियो में आरबी वर्ल्ड की कंप्लीट डेफिनेशन के साथ, कंप्लीट डिटेल के साथ। दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।